दोस्तों, आज की यह वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है जो CISF में जाना चाहते हैं, क्योंकि आज हम CISF की भर्ती में होने वाले फिजिकल और मेडिकल के बारे में विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि CISF में जाने के लिए कैंडिडेट की हाइट, वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए, इसमें रनिंग कितनी करनी होती है, आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, मेडिकल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं और किस तरह से कराए जाते हैं, आदि सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाला एक सुरक्षा बल है जिसका पूरा नाम सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होता है। इसमें अलग अलग फोर्सेस की तरह अलग अलग पद होते हैं जिनके लिए समय समय पर भर्ती निकलती रहती है। तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल की। कैंडिडेट की हाइट जनरल OBC और SC वालों के लिए 170 सेंटीमीटर और ST वालों के लिए 162 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और पहाड़ी इलाकों में आने वाले जनरल OBC और SC कैंडिडेट के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर और ST वालों के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए। पहाड़ी इलाकों से आने वाले कैंडिडेट के लिए 78 से 83 सेंटीमीटर के बीच में होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फैलाव भी आना चाहिए। और दोस्तों, कैंडिडेट का वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके लिए हमने एक चार्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए शेयर किया है। अब आप उस चार्ट में हाइट के अकॉर्डिंग वेट का कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए देखिए, इस चार्ट में इस साइड हाइट दी गई है इंचेस और सेंटीमीटर में, उसके आगे पुरुषों का हाइट के अकॉर्डिंग वेट दिया गया है और उसके आगे महिलाओं का हाइट के अकॉर्डिंग वेट दिया गया है। तो इसमें अगर कैंडिडेट का वेट 170 सेंटीमीटर है तो 170 सेंटीमीटर वाली रो में आपको देखना है 170 सेंटीमीटर हाइट के हिसाब से पुरुष कैंडिडेट का वजन 60 से 73 किलोग्राम के बीच होना चाहिए, और इसी प्रकार 170 सेंटीमीटर हाइट के अनुसार महिला का वजन 55 से 67 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। तो इस प्रकार आप अपनी हाइट के हिसाब से वेट का पता लगा सकते हैं। इसके साथ ही दौड़ में पुरुष कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होती है, और महिलाओं को 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होती है। और इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी भी करवाई जाती है, जिसमें हाई जंप में पुरुष कैंडिडेट को 3.9 फीट कूदना होता है, जिसमें कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाते हैं। महिला कैंडिडेट को 3 फुट की कूद लगानी होती है और इसमें भी 3 चांस दिए जाते हैं। लॉन्ग जंप में पुरुष कैंडिडेट को 12 फीट की छलांग लगानी होती है, जिसमें कैंडिडेट को 3 चांस दिए जाते हैं, और महिलाओं को भी 9 फीट की छलांग लगानी होती है, इसमें भी इन्हें 3 चांस दिए जाते हैं। फिर फिजिकल पास करने के बाद कैंडिडेट को मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसमें अलग अलग तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है आई टेस्ट। इसमें टॉर्च से दोनों आंखों को चेक किया जाता है। कैंडिडेट की आंखों की पुतलियों को घुमाने को कहा जाता है, जिससे चेक किया जाता है कि कैंडिडेट की आंखों में किसी तरह की कोई समस्या ना हो और ना ही आंखों का कोई ऑपरेशन हुआ हो। जिसके बाद सामने लगे इस तरह के बोर्ड से आपको छोटे और बड़े अक्षरों को पढ़ाया जाएगा। इसमें कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6x6 होनी चाहिए, जिसके बाद कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट लिया जाता है। दोस्तों, कुछ कैंडिडेट रंगों में फर्क नहीं कर पाते, उन्हें सभी रंग एक जैसे दिखाई देते हैं, इसे ही कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। इस टेस्ट में कैंडिडेट के आगे एक बुक रखी रहती है, जिसमें इस तरह के अलग अलग रंगों के गोले बने रहते हैं, जिनमें बीच में अलग अलग रंग के नंबर लिखे रहते हैं। तो कैंडिडेट को उनमें से नंबर और उसका रंग देख के बताना होता है। इसके बाद ईयर टेस्ट होता है, जिसमें इस तरह से आपके कानों को चेक किया जाता है और देखा जाता है कि कान बहने की, कान में मैल या कम सुनाई देने की कोई समस्या तो नहीं है, या कानों का कोई किसी तरह का ऑपरेशन तो नहीं हुआ है, आदि सभी कुछ चेक किया जाता है। इसमें एक छोटी सी मशीन को बंद करके खोल के आपको पूछा जाएगा कि यह मशीन आवाज कर रही है या नहीं। इसके बाद नोक नी टेस्ट होता है, जिसमें आपके घुटने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए, उनके बीच में ना तो ज्यादा गैप होना चाहिए और ना ही चलते समय वे आपस में मिलने चाहिए।
इसके बाद फ्लैट फीट टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट के पैरों के तलवों को चेक किया जाता है जो इस तरह से नॉर्मल होने चाहिए और उनके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। यह गैप ज्यादा भी नहीं होना चाहिए और ना ही तलवा बिल्कुल सपाट होना चाहिए। यह चेक करने के लिए आपको अपने पैरों के तलवों को पानी से भिगो लेना है, उसके बाद सूखी धरती पर पैर के तलवों को रखना है और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं जिसके पैर के बीच में हल्का सा गैप होगा वह सही है, जिनके बीच में गैप नहीं है वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही ब्लड टेस्ट भी होता है जिसमें चेक किया जाता है कि कैंडिडेट को कोई शुगर वगैरह की बीमारी तो नहीं या कैंडिडेट किसी तरह का नशा तो नहीं करता। इसके साथ ही बहुत से कैंडिडेट का टैटू को लेकर सवाल होता है कि अगर हाथ से कोहनी तक के टैटू पर अभ्यर्थी का नाम है, माता पिता या रिश्तेदार का नाम है या किसी धार्मिक पहचान का चिन्ह बना है तो ऐसे कैंडिडेट को भर्ती में ले लिया जाता है। लेकिन अगर टैटू किसी नस्ल भेदी, जातिवाद, भेदभाव, अश्लीलता, किसी मूवी का नाम या किसी एक्टर या नेता का चेहरा बनवा रखा है तो इस तरह की स्थिति में कैंडिडेट को भर्ती में समस्या आ सकती है। भर्ती के समय कुछ कैंडिडेट को टैटू रिमूव करने का समय भी दिया जाता है। और दोस्तों CISF में बाकी डिपार्टमेंट की तरह अलग अलग पद होते हैं जैसे DG, ADG, IG, DIG, SR कमांडेंट, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, जिसमें CISF कांस्टेबल के पदों पर अलग अलग ट्रेड में सबसे ज्यादा वैकेंसीज निकलती है जिसके लिए आयु सीमा 18 से 23 साल के बीच में होनी चाहिए, जिसमें OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाती है जिसके अनुसार OBC वालों की आयु सीमा 18 से 26 साल के बीच में होनी चाहिए, जबकि SC ST वालों को 5 साल की छूट दी जाती है जिसके अनुसार SC ST वालों की आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों अब आखिर में जानते हैं कि CISF की भर्तियों के बारे में आखिर आपको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको CISF की ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.in पर जाना होगा जहां पर CISF में चल रही लेटेस्ट भर्तियां आपको दिख जाएगी जिन पर आप क्लिक करके उनके बारे में पढ़ सकते हैं और आसानी से अप्लाई भी कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ CISF के लिए कुछ बेस्ट बुक्स के लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर CISF की भर्ती से संबंधित आपका अब भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके लिए उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।